Sala loco! किसान क्रांति गेट पे आज हम एक साल बाद फिर आए हैं। ये वही गेट है जहां से हमें दिल्ली कूच नहीं करने दिया गया था। ये किसान क्रांति गेट है, यहां से हम किसान अपनी आवाज़ उठा के इन्हें सरकार को ये दिखाएंगे कि किसान कितना मजबूत है और कितना वो है। आज यहां बाबा टिकैत की होर्डिंग और बोर्ड लगा के हम ये बता देंगे कि हाँ, किसान क्रांति यात्रा और किसान क्रांति गेट यही है, यहीं से हमारा बिगुल बजेगा और किसान यहीं से आगे की अपनी आवाज़ उठाएगा। एक साल हो चुके हैं आज किसान को, यहाँ किसान यात्रा आई थी, यहाँ जहाँ से हम क्रांति के लिए लड़े थे, आज उसी गेट पे आज हम दोबारा आए हैं और बड़े जोर शोर से हमारी पूरी 6 मंडलों से लोग आए हुए हैं यहाँ और हर तरीके से किसान अपनी आवाज़ उठी। हमने 27 तारीख में नोएडा अथॉरिटी पे का भी घेरावा किया था, वहाँ भी बड़ी विशाल पंचायत की थी, वहाँ के किसानों को लेकर बड़ी मजबूती से हमने वहाँ अपनी बात रखी। नोएडा को बेघर करने पर तुले हुए हैं ये सरकार, वैसे कहती है 2022 में हम मकान देंगे सभी को, लेकिन नोएडा के मकानों को छीनने लग रहे हैं। 27 तारीख में हमने एक जनाक्रोश निकाल के अपनी किसानों की पूरी संख्या दिखाई थी वहाँ पे, इतनी बड़ी विशाल रैली निकाली गई थी नोएडा के अंदर। अब यही इसी बुगुल में हम किसान लगातार कार्य करते रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांग ना मान ले और हमारे कार्यों को पूरा ना कर दे। समस्या हल नहीं हो जाती जब तक किसान अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। आज ये हमारे मकानों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें हम ये करने नहीं देंगे। ये किसान क्रांति गेट से आज दोबारा कसम दी जाएगी किसानों को जागरूक करने की और किसानों के साथ हित में लड़ने की। यही हमारी मांग है, यही हमारी डिमांड है कि किसानों को आगे रखा जाए और किसानों की बात मानी जाए। इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, चौधरी टिकैत साहब के नेतृत्व में जो भी होगा बार बार हम वो काम करते रहेंगे, जैसे जैसे आदेश होगा चौधरी टिकैत साहब का। जय जवान जय किसान। भाई उद्देश्य क्या, सरकार किसान है भूल गई, वोट ले ली सरकार ने, वोट लेने के बाद भाई किसान भूल की किसान रह गया, किसान की दुर्दशा क्या, बड़े बड़े वादे करे। पिछली साल 23 सितंबर को बाबा टिकैत घाट से एक किसान यात्रा दिल्ली को निकली, पूरी व्यवस्थित यात्रा थी, अपनी बात कहने के लिए दिल्ली किसान दिल्ली के लिए कुछ कर रहा था, पर ये सरकार ने भाई किसान के साथ जुलम कर दिया, यहाँ पे रोका गया और किसानों के पर गोले बरसाए गए, पानी की बौछार करी गई पर मांग आज तक पूरी ना करी गई। एक साल आज इसका एक वर्ष, आज इस किसान क्रांति का एक पहला दिवस से मनाया जा रहा है। इस सरकार को बताना चाहते हैं कि आज तुम्हारे कारण आज किसान उस क्रांति का दिवस मनाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। उस क्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो पुल है, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं भाई, इसे किसान क्रांति गेट के नाम से जाना जाएगा और किसानों की यहाँ पर हर वर्ष इसी तरह पंचायत करी जाएंगी। अपनी मांग है, सरकार कभी किसान की मांगे ना माननी चाहती और ना करनी चाहती, तो भाई सरकार को बताने के लिए हर वर्ष किसान यहाँ पर आएगा और दिल्ली पर अपने ओंकार भरे रहेगा। इसलिए यहाँ पर एक वर्ष पूरा होने पर किसान इकट्ठा हुआ है और अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है। जैसे कि पिछले साल जो आंदोलन था वो किसान लेकिन यहाँ पे सरकार इस बार भी जैसे काफी जगह बैठ गए दिल्ली में दूसरे से रोक रहे, तो भाई सरकार चाहती ना दिल्ली में किसान का, हमें तो यही पता होगा कि किसान पाकिस्तान का है, अमेरिका को है, कहीं और को है, भारत को नहीं है, ये भारत का हिस्सा है, किसान नहीं है। और जब सरकार ये चाह ही नहीं रही तो दिल्ली में किसान जा, यही तो दुर्भाग्य है किसान का कि किसान को ये देखना ही नहीं चाहते, किसान को ये देख कि कोई मांग पूरी नहीं करना चाहते। भाई किसान, सरकार ने दिमाग में लगा लिया कि किसान को इस दुनिया से खत्म करना, पर किसान, भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर आए वर्ष किसान क्रांति पर इसी तरीका से जो पिछले साल यहाँ पर हुआ उसके उपलक्ष्य पे आए वर्ष यहाँ पर वर्षगांठ के नियम से खड़ी होगी और अपनी बात, किसानों की बात दिल्ली तक पहुँचाने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी। किसान घाट है दिल्ली में, वहाँ पे जाने मुख्य कारण क्या है किसानों को? भाई ये यही कारण तो समझ में नहीं आ रहा,
किसान दिल्ली भाई सरकार 5 साल वोट लेने आती है किसानों के बीच में, और जब वोट लेके जाती है तो 5 साल बाद ही आती है। बीच में सरकार किसान के ना हाल देखती, ना किसान की व्यवस्था देखती, ना किसान की परिस्थिति देखती। तो वो किसान भी पिछले साल 5 साल के उपरांत में ही दिल्ली में सरकार को ढूंढने आए, और किसान घाट पर 2 अक्टूबर को जहाँ पर एक लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा मिला, उनकी जयंती पर पुष्प अर्पित करना गए, परंतु इन सरकारों ने किसानों को दिल्ली जाने नहीं दिया। यहाँ पर रोका गया, जहाँ पर एक किसान क्रांति हुई, किसान क्रांति ऐसी हुई, उस क्रांति का ही कारण आज किसान अपनी बात लेकर फिर यहाँ पर दोबारा आ रहे हैं। 23 सितंबर 2018 में हरिद्वार से बड़ी शालीनता से प्यार से किसान और मजदूर कम से कम 20-30 हजार की तादाद में निकले थे, बड़े आराम से आ रहे थे। बाकी जैसे ही दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे, ऐसे ही दिल्ली पुलिस ने और शासन प्रशासन ने मिलकर उन पर आंसू गैस छोड़े, उन पर लाठियां भांजी, उन पर पानी की बरसात करी। वो बिल्कुल ही गलत था, जबकि एक किसान जो है अन्नदाता होता है देश का, देश के लिए अन्न उगाता है। शासन प्रशासन में जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं उनको खाने के लिए यही देता है, वहाँ के बाद में जो है यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। ये तो बड़े प्यार से जा रहे थे, बाबा टिकैत के सिपाही थे, अगर इनको कोई आंदोलन नहीं करता तो हरिद्वार से यहाँ तलक कर लेते। सिर्फ 20 किलोमीटर दूर इन किसानों के इतनी चोटें बरसाई, लाठी बरसाई, पानी बरसाया, आंसू गैस बरसाई। उसी के उपलक्ष्य में आज 2 अक्टूबर 2019 में पहली वर्षगांठ है, और ये भारतीय किसान यूनियन अगर किसानों की मांगे नहीं मनी, प्रधानमंत्री जी ने इनकी मदद नहीं करी, तो हर साल यहाँ पे इसी प्रकार का आंदोलन होगा, प्रशासन होगा। अगर मांगे मान ली जाती है किसानों की, मजदूरों की, तो ये जो पंचायत है स्थगित भी कर दी जाएगी, और इस जो जगह का नाम है वो बाबा टिकैत के नाम से, किसान क्रांति द्वार के नाम से मशहूर होगा। इस देश के अन्नदाता हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं, पूरे देश को छताते हैं। पिछले वर्ष जब हम यहाँ चले थे तो हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक था, हम दिल्ली तक आए, ना तो हम किसी आतंकवादी की समाधि पर जा रहे थे, ना किसी पाकिस्तान के या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे थे, हम भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आए थे, उन अहिंसावादी प्रधानमंत्री महात्मा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, हम उनकी समाधि पर जा रहे थे जिन्होंने जय जवान और जय किसान अहिंसावादी का नारा दिया था। उस 2 अक्टूबर के दिन उन दोनों सही उनके महापुरुषों का जन्मदिन था, और उस जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को पिछले वर्ष गोली कांड नहीं होना चाहिए था, पानी की बौछार नहीं चलनी चाहिए थी, उन पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए थी। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने हमें क्या दे रखा, सरकार को सोचना चाहिए था भारत भारत का किसान क्या मांगने आया है, सरकार को चाहिए था उस भारत के किसान से मन की बात करते जो भारत का किसान मन की बात करने के लिए आया था, सरकार को चाहिए था जब भारत का प्रधानमंत्री रोज मन की बात का एक प्रचार करता है और गाता है, तो उस अन्नदाता आने वाले के भी मन की बात यहाँ पर किसान क्रांति गेट पर जो आज प्रदर्शन हो रहा है पिछले वर्ष सुन लेनी चाहिए थी, आना चाहिए था। आज ये गेट अगर पिछले साल सुन लिया होता तो आज यहाँ पर ये हालात ना होते जो अब किसान यहाँ पर फिर दोबारा आया। पहले भी पिछले वर्ष भी बुला के वार्ता करी थी लेकिन वो बेनतीजा रही, आज तक हमारे सामने उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। किसान घाट ले जाएंगे